अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। ये देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट। आप देखेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा और बनाने का आप भी ट्राई करेंगे ज़रूर। ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है और तरबूज काटा हुआ छोटे छोटे पीसेज में, मैंने दो एप्पल काट लिया है, दो अनार ले लिया है और दो केला ले लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है मेवा थोड़ा और यहाँ कस्टर्ड पाउडर। एक कप में हम दूध डालेंगे और दूध में डालेंगे 2-3 चम्मच कस्टर्ड। इस तरह से हल्का गुनगुना होना चाहिए दूध ताकि मेरा कस्टर्ड घुल जाए। अब ठंडे दूध में बिल्कुल भी ना डालें, ठंडे दूध में डालने से वो जम जाएगा और घुलेगा नहीं। यहाँ हम ले लेंगे एक कप चीनी। ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा मीठा पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 केजी दूध जो सुखाकर मैंने उसे 1 केजी कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, इससे खुशबू अच्छी बहुत अच्छी आती है। और चारों तरफ से हम चला लेंगे। इसे हम धीमे आंच पे चढ़ा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल के रखा हुआ था और चारों तरफ से इसे हम चलाएंगे। चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी डालकर हम चलाएंगे और जितना भी मेरा कटा हुआ फ्रूट्स है वो फ्रूट्स को हम डाल देंगे। जितना मैंने काट के रखा हुआ इस तरह से हम फ्रूट्स को डाल देंगे। अब मैं ड्राई फ्रूट्स भी कुछ काटा हुआ है, बादाम, किशमिश और काजू। ये मेरा तरबूज है, ये भी इसी में जाएगा। आपके पास जितना भी आप फल जितना हो अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जितना ड्राई फ्रूट है मैंने काट के रखा हुआ वो भी डालेंगे और चारों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब फ्रीज से फ्रीज में रख देंगे 20 से 25 मिनट तक। ये निकाल कर आप खा सकते हैं फ्रीज से। अब मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए मेरा कस्टर्ड तैयार है, फ्रीज में रख सकते हैं और आप 20-25 मिनट बाद खा सकते हैं।